किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षक हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये जो सोशल मीडिया में वायरल होने की बीमारी है ना, ये आजकल सबको लग गई है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब ये बीमारी सरकारी महकमों तक पहुंच जाती है, सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाती है, तो ये खतरनाक हो सकती है। कुर्ता पैजामा पहनने पर शिक्षक को फटकार लगाने वाले डीएम संजय कुमार सिंह अब खुद सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि ये वीडियो वायरल होगी तो लोगों ने शाबाशी देंगे, लेकिन अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक हैं आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रखिए, ठीक है। क्लास में आइएगा, आपको जब क्लास के बाद आपको जैसे भी अपना पोशाक रखना रखिएगा, यहाँ आइएगा तो शिक्षक की तरह। दोस्तों, पहनावे को लेकर स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर को अपमानित करने वाले डीएम संजय कुमार सिंह से अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कुर्ता पैजामा पहनने में बुराई क्या है, और क्या एक टीचर को इस तरह से स्टूडेंट्स के सामने डांटना ठीक है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने डीएम संजय कुमार सिंह के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा, आप एक बच्चे के तौर पर कैसा महसूस करोगे जब आपके शिक्षक को आपके सामने इस तरह डांटा जाएगा। सीनियर सरकारी अधिकारियों में ये किस तरह का ट्रेंड शुरू हो गया है कि सरकारी निरीक्षण करते वक्त टीवी वालों की टीम को साथ ले जाते हैं। वहीं बिहार के शिक्षकों के संगठन एजुकेटर्स ऑफ बिहार ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या भारत में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा पहनने पर रोक है? क्या कुर्ता पैजामा पहनने के जुर्म में शोकॉज और वेतन बंद करना उचित है? वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने डीएम संजय कुमार सिंह के अधिकारियों की इस तरह के व्यवहार पर कहा, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता। बीते दिनों बिहार के कई हिस्से से शिक्षकों का अपमान करने या उसका उपहास करते अधिकारीगण अपने को तुर्रम खां साबित करने में लगे हैं। अगर कोई कमी है तो संगठित प्रशिक्षण से दुरुस्त की जाए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा, अगर नीतीश सरकार इस शिक्षक की गरिमा का उनके छात्रों के सामने हनन करने वाले इस अहंकारी अधिकारी को दंडित नहीं करती तो वो शिक्षा के प्रति अगंभीरता की दोषी होगी। इन्हें बताया जाए कि जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो डॉक्टर राधाकृष्णन आजीवन धोती कुर्ता शेरवानी साफा ही पहनते रहे। दोस्तों, किसी भी रूल बुक में कहां लिखा है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकता? और अगर ऐसी कोई रूल बुक बनानी है तो उसके लिए सरकारी अधिकारी और ऐसे आईएएस अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर अपना काम करें और उसके बाद नीचे तक आदेश दे दें कि भाई आप पैंट और टी शर्ट के बिना या पैंट या शर्ट के बिना स्कूल में नहीं आ सकते। कुर्ता पैजामा कहाँ से ऐसा अश्लील परिधान है या ऐसा कोई परिधान है जिसको पहनकर अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के दिमाग में गलत संदेश चला जाएगा? हमारे घर के बड़े बूढ़े तो अभी भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। आप शिक्षक को कुर्ता पैजामा और गमछा पहनने को लेकर जिस तरह से फटकारा गया, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, लेकिन फ्री जर्नलिज्म को हमारे तब सपोर्ट मिलेगा जब आप हमें थैंक्स के ऑप्शन के इस्तेमाल के साथ हमें सपोर्ट करेंगे।